नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 26 आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, इफ वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स कॉमा फाइंड। तो फाइंड क्या करना है दोस्तों, वाई एन, मतलब इसका nth ऑर्डर निकालना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो वाई एन इक्वल्स टू क्या, देखिए हम निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनेगा, इसमें लेबनीज थ्योरम का यूज नहीं होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने क्या किया है कि लेट 1 प्लस एक्स, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था दोस्तों, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू, उसको क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या मान लिया, उसको मैंने टी मान लिया। उसके बाद फिर क्या किया दोस्तों, एक्स को इधर ही रखा और वन को, जो हमारा डिनोमिनेटर में, माफ कीजिएगा, जो हमारा LHS में था उसको RHS में लाया, तो ऑब्वियसली साइन नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से मैंने एक्स का वैल्यू निकाल लिया। तो जहां जहां पे ये वाला, सिर्फ ये वाला जो टर्म है 1 प्लस एक्स, उसको प्लेस पे टी पुट करेंगे और एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, टी माइनस वन, मतलब जहां जहां आपको एक्स मिलेगा वहां पर टी माइनस वन पुट करना, और जहां जहां पर टी होगा उसके प्लेस पे आप 1 प्लस एक्स भी पुट कर सकते हैं और 1 प्लस एक्स के प्लेस पे टी भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली हमारा क्वेश्चन, जब चूंकि हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसलिए वाई इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन अब कैसा हो जाएगा, जो क्वेश्चन तो हमारा यही था, एक्स टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो वाई इक्वल्स टू फाइनली क्या बनेगा, टी, एक्स के प्लेस पे देख चुके मैंने, हम यहाँ पे निकाल चुके हैं टी माइनस वन, इसलिए पुट करेंगे तो टी माइनस वन पे पावर एन हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और 1 प्लस एक्स को वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है, टी माना, इसलिए यहाँ पे टी पुट कर दिया। अब जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ये ध्यान देना, यूजिंग फॉर्मूला, मैं इसमें एक फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि बाइनोमियल थ्योरम का होगा, वो आप सभी को पता भी होगा कि अगर एक्स प्लस ए टू दी पावर एन, ये फॉर्मूला आप लोगों से बहुत को पता भी होगा, अगर माइंड से स्लिप भी कर गया होगा या फिर अब भूल गया होगा तो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि ये फॉर्म होता था, एन सी जीरो इंटू एक्स टू दी पावर एन इंटू ए जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू ए वन प्लस एन सी टू इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू इंटू ए टू प्लस उसी तरह आगे बढ़ता जाता था। अगर एन एथ ऑर्डर तक लेके जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, एन सी एन एक्स टू दी पावर एन माइनस एन इंटू ए एन। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए पे पावर एन इक्वल टू एन सी जीरो इंटू एक्स टू दी पावर एन इंटू एन ए जीरो या ए नॉट भी बोल सकते हैं आप, प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए वन प्लस एन सी टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए टू, मतलब आप कीजिए एक ए का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कैंसिल होकर के फाइनली यहाँ पर जीरो बजा, मतलब एनीथिंग टू पावर जीरो, इसका वैल्यू वन, मतलब यहाँ वन होगा और इसका भी वैल्यू वन ही होता है एन सी एन का। तो फाइनली यहाँ पर सिर्फ ए एन बच जाता है, लेकिन अभी हम इसको रहने देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर रहा, और जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू पुट नहीं किया, तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस फॉर्मूला का जब यूज कीजिएगा आप इस टर्म में, तो फाइनली देखिए हमको क्या मिलेगा। तो अब वाई इक्वल्स टू जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है, मैंने उस ये जो फॉर्मूला था इसको पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा इसलिए पुट करें क्योंकि यहाँ पर देखिए टी माइनस वन या टू प्लस वन, बात देखिए अगर माइनस वन आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब ये फाइनली आप ऐसे इसको भी बना सकते हैं, माइनस अंदर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए टू पी पावर एन, मतलब आप इसको टी ए प्लस, मतलब एक्स प्लस ए के फॉर्म में भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा, यहाँ पे एक स्टेप मैंने लिखा था, अभी आपको समझा दिया, यहाँ पे माइनस वन मतलब ये हमारा ए बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते होंगे फॉर्मूला के बेसिस पे हो गया एक्स प्लस ए, तो एक्स हमारा यहाँ पे टी है और प्लस, और ये हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस वन है। तो यहाँ पे देखिए उसी फॉर्मूला को पहले पुट कर दिया मैंने न्यूमिनेटर में, जो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिड्यूस करके यहाँ पे लिखा था फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने के बाद, और डिवाइडेड बाय टी, जो हमारा टी था यहाँ पे ये। अब आइए इसको यहाँ पर जो वैल्यू है, जो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, चूंकि टी का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, जैसे देख सकते हैं 1 प्लस एक्स और एक्स के प्लेस पर टी माइनस वन पुट करना है। तो देखिए पहले यहाँ पे हम वैल्यू सारे पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए टी पे पावर एन ही रहेगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए एन सी जीरो था, यहाँ पे मैं फिर से दिखाता आपको, एन सी जीरो था, इसका वैल्यू वन होता आप सभी को पता, और माइनस वन पे पावर जीरो, एनीथिंग टू पावर जीरो, इसका वैल्यू वन होगा। तो सिंपली यहाँ पर टी पे पावर एन बचेगा, यहाँ पर माइनस वन पे पावर वन है, इसका इसको भी इसका वैल्यू अभी मैंने नहीं लिख रहा हूँ, अगर माइनस वन पे पावर वन है तो इसको वन बार, मतलब वन टाइम्स कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर कीजिएगा तब प्लस होगा, उस तरह माइनस वन पे पावर एन कीजिए तो ये तो माइनस वन पे पावर एन ही रहेगा, ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब कि एन इंटू एन कैंसिल होकर के, तो एनीथिंग टू पावर जीरो हमारा, इसका वैल्यू वन होगा और इसका भी वैल्यू वन होगा। तो देखिए अगला स्टेप, इसी टर्म को मैंने लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, वाई इक्वल्स टू टू पे पावर टी पे पावर एन माइनस एन सी जीरो इंटू टी पे पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू इंटू टू पे पावर एन माइनस टू। यहाँ देखिए नेगेटिव साइन आ चुका क्योंकि माइनस वन पे पावर वन था, या माइनस वन पे पावर स्क्वायर था, इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव ही रहा, प्लस डॉट 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 आगे भी जाते रहेगा, लेकिन इन्हें थोड़ा देख ले जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, माइनस फाइनली माइनस वन पे पावर एन डिवाइड बाई टी तो था ही। अब देखिए टी है डिवाइड है, मतलब कि इसके नीचे भी टी डिवाइड में, इसके नीचे भी टी डिवाइड में, इसके नीचे भी टी डिवाइड में, और इसके नीचे भी टी डिवाइड में। तो देखिए यहाँ पर वाई इक्वल्स टू फाइनली सब सारे को
जो टर्म थे न्यूमिनेटर में सारे कहीं जो टी डिवाइड में अलग अलग सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर वन छुपा हुआ टी का, सेम टू सेम यहाँ पर भी पावर वन छुपा हुआ, यहाँ पर भी वन छुपा हुआ और यहाँ पर भी वन छुपा है, लेकिन यहाँ पर मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेम बेस हो जाएगा, तो आप फाइनली ये इस फॉर्म में ऐसा हो जाएगा टी पे पावर एन इंटू टी पे पावर माइनस वन, तो सेम बेस होने पावर एड, मतलब कि एन माइनस एन में माइनस वन आप ऐड कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, एन माइनस वन हो जाएगा टी पे पावर। तो इसी फॉर्म को मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि देख रहे होंगे सेम टू सेम यही फॉर्म अप्लाई किया तो एन सी वन वैसे का वैसे टी पे पावर एन माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन और यह माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, उस यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा प्लस, और देखिए चूंकि वन प्लस एक्स को ही हम लोग माने थे टी, तो उसके तो टी के प्लेस में यहाँ पे पुट कर दिया एक्स प्लस वन। उसके बाद देखिए हमारा अगला स्टेप वाई इक्वल टू, जो टी का वैल्यू हम लोगों ने माना था, क्या माना था दोस्तों, एक्स प्लस वन या वन प्लस एक्स, बातें की है तो सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया टी के प्लेस पे, बाकी एन सी वन एन सी टू वैसे का वैसे ही है। अब देखिए उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस तरह जब इसका वाई चूंकि हो गया, इसका वाई वन वाई टू वाई थ्री, यहाँ पर देखिए फाइनली मैंने वाई एन लिखा, तो वाई एन इक्वल टू क्या लिखा, इसको लिखा यहाँ पे जीरो, क्यों क्यों दोस्तों, क्योंकि अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, मतलब वाई वन निकालेगा फिर वाई टू निकालेगा फिर वाई थ्री निकालेगा फिर वाई फोर निकालेगा, तो उस तरह निकालेगा तो वाई एन तक जाएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वाई एन लिख देता हूँ, लिख रहा हूँ, क्योंकि जब एन एन टाइम्स तक जाएगा तो यहाँ फाइनली वन टू थ्री इंक्रीज करते जाएगा पावर, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एनथ ऑर्डर निकालेगा तो यहाँ पर पावर कितना जाएगा, एन हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर फाइनली जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन टाइम्स तक जाने के भी जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस डॉट 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 माइनस वन पे पावर एन, तो वैसे का वैसे रहेगा, जब वन बाई तो माइनस वन पे पावर एन अलग कर लीजिएगा तो यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा दोस्तों, वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन बचेगा, फिर जब इसको ऊपर ले जाएगा तो यहाँ पावर वन है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन पे पावर माइनस वन हो जाएगा, तो इसमें लेबनीज मतलब कि इसमें इसका एन थोड़ा आप निकालेगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा, माइनस वन पे पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन पे पावर एन प्लस वन, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं मैंने निकाला है, तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, वाई एन इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा जीरो, ये हमारा जीरो, सब मतलब इधर वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ माइनस वन में पावर एन वैसे का वैसे रहेगा, ये तो हमको पहले आपको बताया था कि इसका मतलब कि इसको एन एथ ऑर्डर तक निकालिएगा तो आप हमारा ये जो टर्म आप देख रहे हैं यही टर्म आने वाला है, या ऐसा क्वेश्चन आपको था एक्सरसाइज फोर में, आप जाकर के वहाँ पर देख भी सकते हैं। उसके बाद फाइनली इसको देखिए क्या किया मैंने, वाई एन इक्वल टू की इधर वाला टर्म जो आप देख रहे हैं तो जीरो हो चुका, तो ये वाला सिर्फ टर्म बचेगा, तो इसी टर्म को यहाँ पे मैंने लिखा माइनस वन पे पावर एन, चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके नीचे वन है, डायरेक्टली न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वन पे पावर एन इंटू माइनस वन पे पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो वैसे का वैसे रहेगा, जैसे कि एक्स प्लस वन पे पावर एन प्लस वन। अब देखिए आप सभी को पता है कि इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेम बेस है माइनस वन माइनस वन, तो इस पर पावर क्या होगा दोस्तों, ऐड होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एन प्लस वन टू एन, तो वाई एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन पे पावर टू एन इंटू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन पे पावर एन प्लस वन। अब देखिए माइनस वन पे पावर टू एन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दो पावर मल्टीप्लाई में होता है तो इसको आप सेपरेट करके ऐसे लिखते हैं, तो माइनस वन का स्क्वायर का पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन पे पावर एन प्लस वन, अब माइनस वन का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वन हो जाएगा, चूंकि माइनस वन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पे पावर एन जो था पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन पे पावर एन प्लस वन। उसके बाद देखिए दोस्तों ये माइनस वन एनीथिंग टू पावर वन पे पावर कुछ भी होता है तो उसका वैल्यू वन ही होता है, तो वो मल्टीप्लाई होता है, फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, वाई एन इक्वल्स टू एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन पे पावर एन प्लस वन, तो यही हमको प्रूव करना था, मतलब यही हमारा आंसर भी था, तो इसको या तो आंसर बोल दीजिए या तो प्रूफ बोल दीजिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर जरूर लाइक, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैथ का सॉल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।